बैक टू मोमिस्तान। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हिप्ड क्रीम, जो कि हम बहुत ही आसानी से बिना हैंड ब्लेंडर के या बिना मिक्सर के बनाएंगे। हम इसमें सिर्फ हैंड विस्क की मदद से सिर्फ 2 मिनट फेंट कर इसे बनाएंगे। आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोमिस्तान को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियोस देखने के लिए घंटे का बटन दबाना ना भूलें। वेलकम टू मोमिस्तान। व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए हम एक बड़ी बाउल ले रहे हैं और एक हैंड विस्क ले रहे हैं, जिसे हमने फ्रीजर में ओवरनाइट रख दिया था। ये काफ़ी चिल्ड हो गया है, इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी व्हिप क्रीम बनेगी। और हम ले रहे हैं इंस्टेंट व्हिप्ड क्रीम पाउडर, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। हम 50 ग्राम का व्हिप्ड क्रीम पाउडर ले रहे हैं और हम इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसके पैकेट को एम्प्टी करेंगे इस बाउल में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 100 ml कोल्ड वाटर और इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे और हम इसको फ्रिज में रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। इसके बाद हमें इसे फेंटना है। इसमें लिखा है कि हैंड ब्लेंडर से आप इसे 3 मिनट तक मिक्स करिए, लेकिन हम हैंड विस्क की मदद से सिर्फ 2 मिनट ही इसे फेंट कर तैयार करेंगे। सबसे पहले अपना सैशे जो है वो एम्प्टी कर लेते हैं बाउल में। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 100 ml चिल्ड वाटर, जो हम बहुत ही ठंडा चिल किया हुआ वाटर हमने इसे फ्रीज़र में रखा था और ऊपर बर्फ़ की पपड़ी जैसी फॉर्म हो गई थी। इसे हम इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हम 30 सेकेंड to 1 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स करने की इसे अभी ज़रूरत नहीं है, बस इसमें लम्स ना फॉर्म हो, ये मिक्स करने में क्रीम जैसा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है आपको, रेफ्रिजरेटर में ढक कर रखें। 15 मिनट बाद हम इसे फ्रिज से निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारी क्रीम जो है वो गाढ़ी हो गई है। अब हम एक बड़ा बर्तन ले रहे हैं, जिसमें हमने ठंडा पानी और आइस क्यूब्स डाली हैं। अब हम इसमें अपनी क्रीम वाले बाउल को डालेंगे और इसे हम फेंटना स्टार्ट करेंगे हैंड विस्क की मदद से। हम इसे 2 मिनट तक लगातार फेंटेंगे। एक मिनट के बाद इसमें देखिए सॉफ्ट पीक्स फॉर्म होने शुरू हो गया है, लेकिन हमें इसे और फेंटना है ताकि स्टिफ पीक्स फॉर्म हो जाए। ये देखिए लगभग 2 मिनट के बाद इसमें स्टिफ पीक्स फॉर्म हो गया है, मतलब कि हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंस्टेंट क्रीम में ऑलरेडी शुगर एडेड होती है। आप इसमें चाहें तो डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे डिफरेंट रेसिपीज़ जैसे कि मिल्क शेक्स, पारफेक्ट डिज़र्ट, लेयर ट्रिपल डिज़र्ट या फिर आइसक्रीम वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे इस्तेमाल करें। आपको ये हमारी व्हिप्ड क्रीम रेसिपी पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मोमिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।